Dear students, today we will discuss one of the class of the same topic as we discussed in previous two lectures, that is classification of relation of the same chapter relations and functions. जो आपके syllabus का एक chapter है. Now we discuss in this lecture that is anti-symmetric relation. ये एक और क्लास है रिलेशंस का. इसको डिस्कस करने से पहले डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस अवर टॉपिक दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्लास ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. Then we have given relation. If we have given relation, that relation is defined on set or sets. यहाँ पे हम लेंगे, we have a given set, non-empty set, and we define, say A be the given set, which is non-empty, and R be the relation defined on given set A. ये relation कब anti-symmetric होगा? कंडीशन क्या है उसके लिए? इफ ए बी बिलोंग्स, ये रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू, अगर ये दो कंडीशंस हमारे पास होंगी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज अस ए इज इक्वल टू बी. बी अगर हमारे पास ऐसा हुआ उस रिलेशन में कि ए बी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ दैट रिलेशन विच इज डिफाइन ऑन द गिवन सेट ए. अगर हमें इंप्लाई हो गया ए इज इक्वल टू बी, देन वी सी द गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक. नाउ डेफिनेशन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिलेशन, गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन हम लेंगे आर डिफाइन ऑन ए सेट, डिफाइन ऑन ए सेट से ए पे हम इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BA belongs to R. These two implies us A is equal to B. जब ऐसा होगा एक relation में, we can say that relation is anti-symmetric. अब इसकी examples, important examples हैं. examples. अगर हमारे पास एक relation which we define on real numbers, रियल सेट पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर इज रिलेशन से एक्स वाई साइड दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई, अब इस रिलेशन में हमारे पास, सॉरी फॉर दिस, वी टेक हियर एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां पे हम यहां पे गिवन रिलेशन ले रहे हैं विच इज डिफाइन ऑन ए सेट, से ए लेंगे सेट, इस सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन, उस रिलेशन में एक्स वाई है, साइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई. नाउ वी टेक हियर से इफ एक्स वन कामा वाई वन बिलोंग्स टू आर, अगर ये इसमें होगा एंड y1 x1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, जब ऐसा होगा क्लियरली वी टेक हियर x y साइड दैट x इज इक्वल टू y, मीन्स इसमें x y है जहां पे x इक्वल टू y है, जब x इक्वल टू y वी हैव y इज इक्वल टू x, मीन्स यहां पे अगर एक्स वाई है तब जाके यहां पे वाई एक्स भी है, यहां पे हमारे पास एक्स वाई है, वाई एक्स भी है, एज एक्स इक्वल टू वाई वी हैव रिलेशन,
Therefore, this relation जो यहाँ पे हमने define की x1 y1 belongs to R, इससे आपको मिलेगा x1 is equal to y1. y1 into x1 ये हमारे पास इस relation में यहाँ से मिलेगा y1 equal to x1. y1 equal to these two implies us the given relation is anti-symmetric. इसी सेट पे हम एक और रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई फॉर आर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए. ये हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए पे. अब अगर इसमें टेकिंग एक्स वन कॉमा वाई वन बिलोंग्स टू आर, ये हम मान रहे हैं कि ये आर में है, एंड y1 x1 also is in R, ये दोनों ये एलिमेंट भी इसका है ये एलिमेंट भी इसका है, अगर हमें यहां पे x1 equal to y1 मिला तब जाके ये रिलेशन भी एंटी सिमेट्रिक होगा जो रिलेशन हमने इसी ए पे डिफाइन किया. सी हियर एक्स वन वाई वन बिलोंग टू R, बट रिलेशन इज हियर x इज लेस आर इक्वल टू y. जब ये R में होगा तब जाके x1 इज लेस आर इक्वल टू y1. अब ये भी इस R में है, y1 x1 इज इन R, रिलेशन इससे जब ये R में होगा, R में रिलेशन क्या है, वी गेट y1 इज लेस आर इक्वल टू x1. कंबाइन दीज टू, x1 इज लेस आर इक्वल टू y1, y1 इज लेस आर इक्वल टू x1. जब ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास होंगे, दीज टू इंप्लाइज अस x1 is equal to y1, which is the definition of anti-symmetric relation. ये भी एक example इसका मिलेगा हमें. These are the important examples for this class of relation. Next एक और important example हम देंगे जो आपके exam में पूछी जा सकती है. Taking a set say A, power set एक और किस्म का set होता है, which contains subsets of a given set. Subsets of a given set. Taking P of A, P of A में क्या होगा, A such that A is subset of, sorry, taking the set here S, S be the set P of S, that is power set of S. Power set of S क्या कौन सा set होता है, which contains subsets of a given set. It is, it contains A such that A is subset of S. ये हमारे पास power set है. यहां हम इस तरह भी, चलो इसी में हम example create कर लेंगे. Taking a relation define on this power set, define on this power set, relation क्या define कर लेंगे हम. इसमें हम से a b ordered pair इस relation में होगा, such that a is subset of b, a is subset of for all a comma b belongs to power set of s. dear students, इसको ज़हन में रखना है, we have a set S, then we have subsets of that particular set S. We take here subset is set of subsets of a given set is called a power set. Remember this definition. Subsets of a given set is called power set. Power set is denoted by P of that particular set. We have set here S, power set becomes P of S. P of S then contains A such that A is subset of S. इसमें S के सारे subsets होंगे. अब हम इसी P S पे power set पे relation define कर रहे हैं. Relation हम R ले रहे हैं, which is equal to इसमें ordered pair A B होगा, such that A is subset of B. A is subset of B. जब A subset B होगा, फरार A कामा B belongs to P of S.
क्या ये रिलेशन जो हमारे पास आ गया क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास दो चीजें, टेकिंग ए बी आर का एलिमेंट है एंड बी ए बी आर का एलिमेंट है। जब ये दो एलिमेंट उस रिलेशन में होंगे, जब ये दो एलिमेंट इस रिलेशन में होंगे तब क्या कि हमें इंप्लाई होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। वी हैव हियर इफ दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन देन बाय रिलेशन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये भी इस आर का एलिमेंट है, वी से बाय रिलेशन बी इज सबसेट ऑफ ए। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन वन ऑफ द वीडियो प्रीवियस वीडियोस में हमने सेट्स के चैप्टर में डिस्कस किया था, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन नेसेसरी ए इज इक्वल टू बी। दीज टू अगर ये इस रिलेशन में है, ये इस रिलेशन में है, दीज इंप्लायर्स ए इज इक्वल टू बी एज ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब अगर हम आपके एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन होगा रिलेशन क्यों होगा, अगर ए बी रिलेशन में होगा बी ए वहां पे नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए बी था, ये एलिमेंट यहां पे नहीं है, बी ए इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, व्हाट हैपन्स विद द रिलेशन, तब जाके क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर आपके पास रिलेशन डिफाइन आने से सेट एस सॉरी पावर सेट ऑफ एस या कोई भी किसी भी सेट पे अगर होगा, अगर उसमें उस रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई उस रिलेशन का एलिमेंट होगा, वाई एक्स उस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तब जाके क्या वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस दैट रिलेशन इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक, बिकॉज कंडीशन किस कहां पे देखना है हमें, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, जब ए बी आर में होगा बी ए बी आर में होगा तब क्या कि आपको मिलना चाहिए ए इज इक्वल टू बी। इस तरह ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया विद एग्जाम्पल्स। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।